पूरी वीडियो है मेरे पास। ड्रामा सीरियल जनिसार एपिसोड 24 तक काफी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब एपिसोड 25 में इससे ज्यादा मजेदार होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एपिसोड 24 के एक पॉइंट के हवाले से और उसके बाद चलते हैं 25 में क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए इस हवाले से बात करते हैं। एपिसोड 24 में दिखाया गया कि दुआ की बहन फिजा माँ बनने वाली है, वो माँ बनने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि सरफराज बाप बनने वाला है, मतलब ये कि दुआ का भांजा या भांजी पैदा होगा। इससे पहले मैं सोच रहा था कि दुआ के लिए आने वाले वक्त में बदला लेना आसान होगा सरफराज से, क्योंकि जब उसको ये पता चलेगा कि सरफराज ने उसकी तो ज़िंदगी ख़राब की लेकिन उसके साथ साथ अब उसकी बहन से शादी करके उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है दिन ब दिन। लेकिन इस पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वक्ती तौर पर शायद सरफराज को थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए इस बात की वजह से। लेकिन आने वाले वक्त में वो इतना बुरा शख्स है कि आखिरकार पकड़ में तो आएगा ही, लेकिन ये एक पॉइंट फिलहाल उसकी फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। इसके साथ साथ ये दिखाया गया कि सरफराज को एक जॉब मिल गई थी। अब उसको जॉब कहाँ पे मिली है? नौशेरवान के ही ऑफिस में। मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में किसी न किसी तरीके से दुआ और सरफराज का वहाँ पर भी आमना सामना हो जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उस मौका पर दुआ किस तरह से रिएक्ट करती है और सरफराज के साथ किस तरह से पेश आती है। इसके अलावा ये दिखाया गया कि दुआ को कुछ दिनों से जुनैरा ब्लैकमेल कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ये नज़र आ रहा था कि उसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से दुआ कुछ हद तक परेशान भी है और ऐसा नज़र आता था कि हो सकता है आने वाले वक्त में वो उसकी ब्लैकमेलिंग में आना शुरू हो जाए। अब सच्ची बात है कि इससे पहले ये सिचुएशन खुमार ड्रामा में आ चुकी है और हम देख चुके हैं इस तरह की सिचुएशन को। मैं काफ़ी ज़्यादा, अब अगर वो दोबारा से वो सिचुएशन होती है तो मैं बोर हो जाऊँगा, क्योंकि फ्वाइज़ वाले मामले में वो सिचुएशन थोड़ी सी मजबूत थी। फिर भी चाहिए था उस मौका पर नीलम मुनीर को कि वो अपने शोहर को शुरू में ही बता दे ब्लैकमेलिंग का। अब सेम अगर यहाँ पर भी ऐसा होता तो फिर जाहिर सी बात है कि मुझे इस चीज़ में बोरियत फील होनी थी, बल्कि गुस्सा आना था। लेकिन इस ड्रामा के मेकर्स बड़े समझदार हैं और इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने इस सिचुएशन को जल्दी से आगे बढ़ाया है और यहाँ से ड्रामा को बजाय के ड्रैग करें अच्छा इंटरेस्टिंग मोड दिया है। अब आने वाले एपिसोड के हवाले से दिखाया गया कि जुनैरा जिस वक्त दुआ को ब्लैकमेल कर रही होगी उसी मौका पर नौशेरवान वहां पर मौजूद होगा और वो फ़ोन पकड़कर सारी की सारी बात सुन लेगा। वो ब्लैकमेलिंग वाला मामला, मतलब ये हुआ कि उसके सामने आ जाएगा। इसके बाद नौशेरवान सीधा रुख करेगा जुनैरा के घर का। अब उम्मीद ये करता हूं कि कल के एपिसोड में ये चीज़ दिखा दी जाए कि जुनैरा के घर वो जब जाएगा तो क्या वहाँ पर सिचुएशन बनती है, और सबसे मज़ेदार बात तब होगी जब वो जुनैरा को किसी अंजाम तक पहुंचाए और उसके साथ साथ ये पता करे कि उसको ये सब करने के लिए बोला किसने था। और अगर इस मौका पर कश्माला का नाम निकल कर सामने आ जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि कश्माला ने एक तरफ अपने ससुराल वालों पर थोड़ा सा प्रेशर डलवा कर, उसके बाद नौशेरवान पर भी प्रेशर डलवा कर उसके साथ रहने के लिए उसको एग्री करवा लिया है। तो इस मौका पर अगर कश्माला की असलियत सामने नहीं आती और वो नौशेरवान के साथ उसके घर में रहना शुरू कर देती है तो वो मज़ीद मुश्किलात खड़ी करेगी दुआ के लिए। लेकिन उम्मीद मैं करता हूँ कि ये जो जुनैरा वाली सिचुएशन है इसमें कश्माला का नाम सामने आ जाए और नौशेरवान इस बार कोई सीरियस एक्शन ले कश्माला के खिलाफ और उसको साइड करवा दे। ये बात दुरुस्त है कि उसके बाद भी कश्माला अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली, बेशक उसको तलाक ही क्यों ना हो जाए वो बदला लेगी और ख़ास तौर पर दुआ को नौशेरवान से अलग करने की पूरी कोशिश करती रहेगी। लेकिन ये वाली जो एक चीज़ होगी ये हमारे लिए तसल्ली बख्श और मज़ेदार होने वाली है अगर इस तरह हो जाता है तो। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो जुनैरा वाली सिचुएशन है इसको नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 25 पर ले जाने की बजाय 26 तक लेकर जाया जाएगा। बहरहाल जी देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में अब क्या होता है। अगर मैं बात करूं एपिसोड 24 की तो एपिसोड 24 काफ़ी बेहतरीन और मज़ेदार था, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि एपिसोड 25 ड्रामा सीरियल जानिसार का इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग एंगेजिंग होने वाला है। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।